तो अभी हमें सिटी जाना, सिटी यहाँ से कितना दूर है? हार्डली 5 मिनट्स का ही है। अच्छा, नहीं मतलब स्वागत है। अब आप अपने मोबाइल फोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। हम सभी से निवेदन है कि आप इनके सीटल साइन बंद करने रखें, कुर्सी पर ही बैठे रहें और कुर्सी के पीछे बांधे रखें। तो गाइस फाइनली फट चुकी है, ले में आ चुके हैं और अभी हम ले से जो एयरपोर्ट है वहाँ पर फोटोज वगैरह के लिए मना कर दिया था सिक्योरिटी के पर्पज से। तो गाइज फाइनली हम एयरपोर्ट से आगे आ चुके हैं। तो मैं आपको एक छोटी सी चीज़ बता दूं, अगर आप कभी भी लेह में या लद्दाख में आते हैं तो आपकी जो सबसे बड़ी बात, जो हमारी सिम के नेटवर्क हैं वो नेटवर्क सारे यहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं पूरी तरीके से। तो यहाँ पर आपको आकर एक सिम लेनी पड़ेगी जो पोस्ट पेड सिम होती है और वो आपको एयरपोर्ट के पास में ही मिल जाएगी। एक मतलब एक दो लेडीज़ वगैरह खड़ी रहती है, वो आपको प्रोवाइड करा देंगी सिम, और सिम का चार्ज है 120 रुपये। उसमें बाकी सारी फैसिलिटी मिलती है जैसे हमारे बाकी सिमों में मिलती है, वो सिम यहाँ पर अच्छे से चलती है। तो हमने सबसे पहले वो आकर सिम ली। मैं आपको बताऊँ जहाँ हमको जाना था उसके लिए सुबह एक बस निकलती है। हमें जाना था द्रास, जो मेरा फाइनल डेस्टिनेशन है जहाँ के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। द्रास जो यहाँ लद्दाख से 5 या 6 घंटे की दूरी पर है। तो द्रास में क्या है, द्रास में अभी यहाँ पर जो लद्दाख में टेम्परेचर हो -15 हो रहा है और जो द्रास का टेम्परेचर है वो -20 या -13, मतलब -30 टेम्परेचर है। तो उसके लिए हमने पता करा कि शेयरिंग टैक्सी वगैरह, बट उसका चार्जेस बहुत है। तो हमने फिर पता करा कि गवर्नमेंट कोई बस जाती होगी। तो भैया ने बताया, एक आर्मी वाले भैया ने बताया कि हाँ गवर्नमेंट बस जाती है, बट वो मॉर्निंग में जाती है और मॉर्निंग में एक ही बस जाती है जो 7 बजे मिलती है, जिसका चार्ज मतलब 500 रुपये पर पर्सन है। तो वो बस ज़्यादा ठीक है। तो हमने सोचा कि आज हम लेह में रुकते हैं और कल हम मॉर्निंग में वो बस से अपना द्रास जाएंगे। तो अभी लेह में रुकने के लिए हमें कोई होटल तो चाहिए होगा, कोई होटल रूम। तो अभी हम होटल रूम के लिए तलाश में आए हैं और एक होटल दिखाया मैं, ये होटल का नाम सोना गेस्ट हाउस है। ये जो एयरपोर्ट है उसके जस्ट बगल में ही है, 10 मिनट की दूरी पर है। तो अभी पता कर रहे हैं, यहाँ पर कोई है नहीं और शायद यहाँ पर फिक्स नहीं हो पाएगा, तो अभी होटल देखते हैं। तो होटल देखने के लिए अभी जो स्ट्रगल कर रहे हैं वो मैं आपको बताऊँगा कि आप भी कभी भी आते हैं तो कितने तक में मिल जाएगा भैया? मतलब आज का दिन काटना है बस, द्रास जाना फिर कल आगे कौन सा वाला भैया? जैकेट वगैरह भी है क्या? अच्छा रेंट पे मिलती है क्या अपने जैकेट? हाँ चल। अच्छा जैकेट कितने तक की है, जो अच्छी जैकेट है मतलब माइनस टेम्परेचर झेल जाए? 2300 रुपये। तो गाइस अभी एक शॉप मिली थी, उस शॉप पर भैया ने हमें कार्ड दिया है और होटल का एड्रेस दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं होटल की साइड और चार्जेस वगैरह मतलब काफ़ी जेन्युइन बताए हैं। तो देखते हैं हम मतलब चीपेस्ट मतलब कम से कम लो बजट में हमें एक होटल रूम चाहिए, क्योंकि हमें 4 से 5 दिन स्टे करना है और कम से कम बजट में हमें लद्दाख घूमना है, मतलब लद्दाख क्या मतलब द्रास जाना है और ऐसे ऐसी जगह जाना है जो मतलब प्रॉपर अच्छी जगह है जहाँ पर जाने का मतलब आपका भी मन करेगा। आप मेरे ब्लॉग में देख रहे हैं, वीडियो को पूरा देखोगे ना तो सारी डिटेल मिलेगी, ठीक है? तो आप वीडियो में एंड तक बने रहना अगर आप भी कभी स्ट्रगल नहीं करना चाहते हो तो, क्योंकि मैं प्रॉपर देखो मैं भी फर्स्ट टाइम आया हूँ तो जैसे जैसे मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ शायद आपको वीडियो देखने के बाद कभी स्ट्रगल ना करना पड़े। कभी आप आओगे तो आपके लिए बहुत हेल्प हो जाएगी। तो गाइस लिटरली बताओ, मैं ये देखो इसका हालात देखो इसकी यहाँ हर चीज़ इतनी ठंड हो रही है। तो गाइस बता दूँ एक रूम मिल गया है, डॉर्मेट्री टाइप का है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है, ये देख रहे हो आप रूम इस टाइप का है। एक बेड है और इस टाइप का छोटा सा रूम है और ये रूम हमें मिला है 800 रुपये का, बोला फिक्स है 800 रुपये। और सच बता रहा हूँ इसके अंदर ना तो हीटर है ना ही कुछ गर्म करने का और कोई तरीका है, इतनी ठंड है -15 टेम्परेचर, मतलब बाहर तो धूप हो रही है बट हाथ पैर गले जा रहे हैं और मुंह से इतनी भाप निकल रही है। वैसे मैं थोड़ा सा बाहर का दिखा देता हूँ कि है कैसा, और बाकी अभी जा रहे हैं हम खाना खाने, कुछ खाते हैं वो दिखाता हूँ आपको। और आज का जो ब्लॉग है वो मैं यहीं पे एंड करूँगा अपने रूम में
और बाकी मैं आपको कल दिखाऊंगा कि हम द्रास कैसे जा रहे हैं, हमने द्रास कैसे पहुंचना है, और द्रास की वीडियो दिखाऊंगा आपको। तो चलो अभी चलते हैं खाना खाने, ताला मार देता हूँ भाई। तो गाइस आप देख रहे हो ये कुछ इस तरीके का डॉर्मेट्री टाइप के, मतलब छोटे छोटे रूम में डॉर्मेट्री भी है। वैसे डॉर्मेट्री दिखा दूँ मैं आपको, यहाँ का डॉर्मेट्री है, ये देखो ये यहाँ का डॉर्मेट्री है। यहाँ पर शेयरिंग बेड, और ये शेयरिंग बेड है, ये 300 रुपये पर पर्सन है। तो हमें मतलब वही सही लगा, हमने कहा यार रूम ही सही है अपना सेपरेट। तो चलो चलते हैं, बाहर धूप हो रही है, बाहरी में बैठ के पराठा खा लूँगा। आजा भाई देखो बाहर कितनी अच्छी धूप हो रही है, देखो गाइस बाहर कितनी अच्छी धूप हो रही है, बट ये धूप का कोई फ़ायदा नहीं है, ठंड लगातार अभी भी लग रही है, हाथ पैर गले जा रहे हैं सीरियसली यार। धूप तो बहुत प्यारी हो रही है यार। मैं आपको थोड़ा सा बाहर का सीन दिखाता हूँ, वैसे आपको पीछे का सीन दिख रहा होगा, कितने प्यारे प्यारे बादल हैं, वो बादल है सॉरी, कितने प्यारे प्यारे पहाड़ हैं और पहाड़ पे बर्फ। सच्ची यार मतलब जगह तो बहुत अच्छी है, बट कभी भी आओ ना तो अपने कपड़े इस तरीके के लेके आना भाई जो माइनस टेम्परेचर को झेल सकें। ये कपड़े सब बेकार हैं, इनके अंदर भी ठंड लग रही है। वाह यार क्या नज़ारे हैं यार, ओ प्यारी सी धूप। और ये होटल कुछ इस तरीके का है, इसका नाम है पंजाबी ढाबा, टेवा गेस्ट हाउस, टीवा गेस्ट हाउस। ये यहाँ पर रुके हुए हैं हम, यहाँ पे हमने होटल लिया है, रूम लिया है, और आज हम दोनों यहीं स्टे कर रहे हैं। और कल यहाँ पर यहाँ से मतलब एक बस जाती है 7 बजे जो जाएगी सीधा द्रास, तो वो बस में हम लोग जाएंगे, हमें वो बस मिस नहीं करनी है। अगर वो बस मिस हो गई तो सारी मेहनत में पानी फिर जाएगा, इसलिए आज हम यहीं पर स्टे करेंगे। अभी हम देखते हैं कोई सीन कि हमारी ठंड रुक पाए, क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा लग रही है, इतनी धूप में मुँह से देखो भाप निकल रही है, बहुत बुरी हालत है। तो अभी कुछ खाते हैं दादे। तो गाइस ये है यहाँ पर आलू पराठा, इस तरीके की थाली उन्होंने कुछ लगा के दिए, इसमें ये यहाँ पे शायद खीरे और सॉरी रायता है, और ये चटनी है, और ये हल्की सब्जी है। तो अभी यहाँ पे इसको धूप में बैठ के खाते हैं, क्योंकि भाई चलो खाते हैं फिर। तो गाइस अभी हम जा रहे हैं लोकल की मार्केट, अभी हम लेह में, तो भैया मिले थे, भैया हमें कुछ इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इन्होंने बताया कि द्रास मतलब जिस जगह हम जा रहे हैं वो इंडिया का सेकंड कूलेस्ट प्लेस है, तो बोल रहे हैं कि वहाँ जाने के लिए आपको परमिट बनवाना पड़ेगा। तो अभी हम जाकर देखते हैं कि परमिट कहाँ से बनता है, और बोल रहे हैं कि परमिट मिले ना मिले उसको वो उनके ऊपर डिपेंड होता है, वो शायद पावर बैंक भी ले जाना, बैटरियाँ पूरी डिस्चार्ज होती हैं, देखो डाटा का। अच्छा आपका नाम क्या वीर जी? मेरा सुरप्रीत। सुरप्रीत नाम है भैया का, ले में मिले, जम्मू के भैया हैं, यहाँ पर जॉब करते हैं। तो उन्होंने हमको एडवाइस दी है कि आप अगर ऊपर जा रहे हो तो ऑक्सीजन वाले कैप्सूल भी ले जाना, बहुत सारी चीज़ें मतलब बताया कि पानी वगैरह की सुविधा भी ऊपर मतलब बहुत ज़्यादा कॉस्टली है, तो बोल रहे हैं यहाँ से अपना कैरी करके लेके जाना। तो अभी जा रहे हैं, ये लोकल की मार्केट है, अभी मैं आपको लोकल की मार्केट दिखाऊंगा, और अभी देखते हैं कि परमिट कहाँ से बनता है। सबसे मेन चीज़ हमको जहाँ जाना था वो है द्रास, और द्रास के लिए हमें परमिट चाहिए चाहिए, अगर हम वहाँ नहीं जा पाए तो हमारा यहाँ आना कैंसिल ही है तरीके से, एक तरीके से मतलब फिर कोई फ़ायदा नहीं है आने का। मेरा मेन मकसद वही था कि मैं द्रास जाऊंगा, तो अभी चल रहे परमिट लेने, और मैं यहाँ की दिखाता हूँ थोड़ा सा लोकल की मार्केट और लोकल के लोगों को कि किस तरीके की यहाँ पर भाषा है। और वैसे भाषा तो लैंग्वेज जो है वो नॉर्मली है, अलग है, वैसे तो यहाँ पर लोग मतलब हिंदी बोलते हैं प्रॉपर, बट यहाँ की लैंग्वेज अलग है, थोड़ा बौद्धिक लैंग्वेज है यहाँ पर, आपस में लोग बौद्धिक बोलते हैं। तो अभी हम चल रहे हैं ना, वो जा रही है वाइट वाली, अभी इधर वेट कर रहे हैं। भैया के चैनल से अभी सब्सक्राइब मतलब फोन से सब्सक्राइब कर रहा हूँ, ताकि भैया को अपडेट रहे, थोड़ा मैं भी टच में रहूँगा, भैया भी टच में रहेंगे। ठीक है यार भाई, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी मेट्रो रहेगी, ओके ओके। तो गाइज ये यहाँ की लोकल की मार्केट, शॉप्स वगैरह बंद है, मतलब समझ नहीं आ रहा कि हो सकता है आज की मार्केट बंद रहती हो, कुछ ही शॉप खुली है। ये देख रहे हो आप यहाँ की मार्केट, लोकल मार्केट, पता नहीं बंद क्यों है, पूछता हूँ किसी से, कोई भैया मिलते हैं तो। अभी मतलब यहाँ के जो लोग हैं ना लोकल एरियाज के, बोल रहे हैं कि अभी तो घूमने का कोई सीन ही नहीं है, बट उनको क्या पता कि हम प्रॉपर विंटर के सीज़न को मतलब एक्सप्लोर करने आए थे कि कैसा सीन रहता है, क्योंकि एडवेंचर करना ही अच्छा लगता है, सबको अच्छा लगता है।
वो बता रहे थे तो एटमॉस्फेयर देखते कि वहां का कैसा है। दो दिन पहले बहुत ज्यादा बर्फ पड़ी है। दो दिन पहले? हाँ, दो दिन पहले बहुत अच्छी खासी बर्फ पड़ी है। तभी मतलब रोडों की बर्फ नहीं है, बस बाकी इधर उधर साइड में जो बर्फ पड़ी है पिघली भी नहीं है ना, पहाड़ों पे ये जो बर्फ है। तो गाइस अभी हम सिटी में जा रहे हैं वहाँ परमिट के लिए पता करने के लिए। देखिए अभी एक कार रुकी है, इनसे बात चल रही है। कितने कितने रुपए है? कितने रुपए? रुपए रुपीज पता कर लो भाई पहले। तो गाइस सिटी जाने के लिए हमने क्या क्या हुआ था, हमें एक बस लेनी थी, बट हमने रास्ते में बस का वेट करते करते एक मैम जा रही थी, भली मैम, तो हाथ दिया मैंने, तो मैम ने रोक लिया। मेरे को लग नहीं रहा था कि रोकेगा कोई, बट मैम ने रोक लिया। तो मैम का नाम अमरीन है, मैम बहुत हेल्पिंग नेचर की है, तो उन्होंने रोका और हमको लिफ्ट दी। तो अभी हमें सिटी जाना, सिटी यहाँ से कितना दूर है? हार्डली 5 मिनट्स का ही है। अच्छा 5 मिनट्स का है। अच्छा तो आप यहाँ लोकल के हो? हाँ जी मैं यहीं की। ओके, तो मतलब बहुत अच्छा लगा ये देख के कि मैम ने हमको लिफ्ट दे दी। अरे कोई नहीं, और हमारे मेहमान हो। अच्छा सीरियसली मतलब बहुत अच्छा लगा यार। वैसे अभी हम लोग यहीं पे स्टे किए हुए हैं और हमें सिटी इसलिए जाना है, हमें वहाँ से ना द्रास के लिए परमिट चाहिए। वहाँ से मिलता है ना परमिट? हाँ द्रास जाना। हाँ तो द्रास के लिए देख लो। वो मेरे को किसी ने बताया था कि वहाँ जाने के लिए परमिट चाहिए होगा। ओके मुझे नहीं पता, अदरवाइज हम तो ऐसे ही जाते हैं, मुझे नहीं पता कि मतलब आप गए वहाँ पे ना। हमारा तो वही पे रूट है। अच्छा आप तो लोकल के हो ना? जी जी। मैम ये मैं वीडियो क्लिप अगर यूट्यूब पे डालूं कोई इशू तो नहीं है? ओके थैंक यू मैम। आपके यहाँ कोई बिजनेस वगैरह है या फिर? मैं जॉब करती हूं। अच्छा जॉब करते हो यहाँ पे, ठीक है, अच्छा लगा मैम काफी। चलो हमें भी। वैसे कितना किलोमीटर है यहाँ से सिटी? हाँ ज्यादा 2 किलोमीटर। अच्छा 2 किलोमीटर इसी के अंदर ही होगा। ऐसे सारे लोग मिल जाए तो बहुत अच्छा हो जाएगा, हम तो लिफ्ट से ही पहुंच जाएंगे। हर कोई मिलेगा आप लोग को। अच्छा तो आपका घर यहीं आसपास में ही है? हाँ जी जी मेरा यहीं पर है। किस फील्ड में जॉब है आपकी? मैं बैंकिंग में हूँ। अच्छा बैंकिंग में आप, बहुत अच्छा है। तो आपकी पूरी फैमिली यही रहती है मैम? हाँ मेरी फैमिली यहीं पे रहती है, मैं यहीं की हूँ। आप लोग कभी उधर मतलब प्लेन एरिया में गए? हाँ जी हाँ जी। अच्छा गए हुए हैं। वैसे मैं प्रॉपर उत्तराखंड से हूँ, आप आए उधर कभी? हाँ मैं उत्तराखंड में मतलब काफी टाइम बैठी हूँ। अच्छा जी, कौन सी बैंक है मैम आप? मैं अभी इंडसइंड में हूँ।